नमस्कार दोस्तों, किसान हेल्प सेंटर इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं FMD रोग, मिस खुरपका मुंहपका रोग के बारे में। ये एक तेज़ी से फैलने वाला वायरल रोग है जो कि जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाता है। इस रोग में पशुओं को तेज़ बुखार होता है तथा मुंह, खुर या थनों पर छाले पड़ जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में यह रोग अधिक फैलता है। हालांकि इस रोग में मृत्यु दर तो अधिक नहीं होती, लेकिन पशु की कार्य क्षमता एवं दूध उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस रोग का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अब आगे इस रोग के कारणों के बारे में कि खुरपका मुंहपका रोग किन कारणों से होता है। यह एक वायरस रोग है। मुख्य पशु रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने पर तेजी से फैलने वाला रोग है। इसके अलावा रोगी पशु के लार के संपर्क में आने से दूसरी चारा पानी से भी ये रोग फैल सकता है। इसका इन्फेक्शन हवा के द्वारा एक से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं FMD रोग के लक्षण के बारे में। सबसे पहले पशु को एक से दो दिन तक तेज़ बुखार रहता है, जो कि 104 डिग्री फारेनहाइट से अधिक तापमान रहता है। आपका पशु सुस्त रहने लग जाता है, खाना पीना व जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है। पशुओं के मुंह में छाले होने के कारण वह खाना पीना छोड़ देता है। पशुओं के मुंह में पीड़ादायक सूजन होती है, मुंह मुसूड़ों पर छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, मुंह में चपचपाहट की आवाज़ आती है, लार अधिक हो जाती है। मुंह में छाले हुए घाव होने के कारण पशु चारा पाना नहीं खा सकता है। पशुओं के खुरों के बीच भी छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु खड़ा नहीं हो पाता है। पशुओं के चलने में दिक्कत आती है, वह लंगड़ाकर चलने लगता है। खुरों के बीच छालों का समय पर इलाज नहीं किया जाए तो कीड़े पड़ने की संभावना भी हो जाती है। इसके साथ साथ पशु में गर्भपात, हांफना, सांस लेने में तकलीफ या फिर गर्मी सहन करने की क्षमता वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से पशुओं को काफ़ी जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं उपचार की। तो FMD एक वायरल रोग है, इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। मुंह एवं खुर के घाव को लाल दवा के 1% गोल से धोना चाहिए। छालों पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं को हल्का मुलायम हरा चारा दलिया देना चाहिए। पशुओं को सूखा चारा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। तो इंजेक्शन में लिमासोल इंजेक्शन बड़े पशुओं को 10 ml सबकर दे सकते हैं। 1 ml 30 किलो बॉडी वेट का आधार पर देना चाहिए, जो कि यह इंजेक्शन चमड़ी में लगता है। साथ ही अगर पशु खाना पीना नहीं कर रहा तो उसे बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन 10 से 15 ml देना चाहिए। इसके साथ में मेलोक्सिकेम प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन 15 से 20 ml IM रूट से देना चाहिए। और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिसे टेरामाइसिन के नाम से भी हम जान सकते हैं, वह भी बड़े पशुओं को लगभग 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर रूट से देना चाहिए। रोग को कंट्रोल करने के लिए रोगी पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए एवं स्वस्थ पशुओं में हर 6-6 माह के अंतराल पर FMD टीकाकरण करवाना बेहद ज़रूरी है। पहली बार बच्चों में 4 माह की उम्र में टीकाकरण करवाएं, उसके बाद बूस्टर डोज 4 से 5 माह में लगवाएं और हर 6-6 माह के अंतराल में ये टीकाकरण करवाएं और अपने पशुओं को FMD रोग से बचावें। एक मात्र बचने का यही सरल उपाय है कि अपने पशुओं का 6-6 माह के अंतराल पर FMD खुरपका मुंहपका रोग का टीका अवश्य लगवाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।